नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता में। और आज की हमारी सब्जी है बहुत ही सिंपल, जिसको कुंदरू बिंबी फल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कुंदरू की सब्जी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने कुंदरू लिए हैं और उनको आलू के साथ में लंबाई में काट लिया है। अब हमने एक लोहे का पैन लिया है और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल जब हीट कर गया है तो इसमें आधा चम्मच मेथी दाना डाला है और मेथी दाना को काला होने तक पका लेना है। मेथी दाना को सही से पकाइएगा, वरना ये कच्चा रह जाएगा तो कड़वा स्वाद देगा। अब इसमें हमने आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। फ्लेम को मीडियम बिल्कुल रखिए और लहसुन और अदरक के पेस्ट को अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें हमने एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। इसके साथ में अब हम इसको, जो हमने कुंदरू और आलू काटे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, इस सब्जी को पकाने में हम पानी का उपयोग नहीं करेंगे और बहुत धीमी फ्लेम पर इसको धीरे धीरे पकाएंगे। अब इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है और जो है इसको अच्छे से सभी मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब हमने कुंदरू को कवर कर दिया है। हर 2 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेंगे और अलट पलट के इसको चला लेंगे, जिससे कि ये नीचे से लग ना जाए। दोस्तों, कुंदरू के अपने बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें उच्च कोटि का फाइबर, विटामिन B1, विटामिन B12 और जो है खनिज तत्व बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ ये हमारे पाचन तंत्र को भी काफ़ी लाभ पहुँचाता है, इसलिए इसे ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों, हर 2 मिनट बाद हम कुंदरू की सब्जी को चेक करेंगे कि उसको पकने में कितना टाइम है और इसको चला चला कर भून लेंगे। जब कुंदरू की सब्जी पक जाए तब इसमें हम एक चम्मच अमचूर पाउडर, जिसको खटाई पाउडर कहते हैं, वो ऐड करेंगे। इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको स्किप ना करें और ज़रूर डालें। अब इसको बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। आपके यहाँ दोस्तों कुंदरू की सब्जी किस तरीके की बनाई जाती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, पराठे के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए दोस्तों, अब हमारी कुंदरू की सब्जी लगभग पकने को आ गई है। थोड़ा सा भूनना अभी और बाकी है तो इसको भून लेते हैं। इसको बनाने के लिए आप लोहे का ही पैन इस्तेमाल करें तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले व्यंजनों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे कुंदरू की सब्जी तैयार है और इसको रोटी पराठे के साथ इंजॉय करिए। थैंक यू।